नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुराग शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से। बासोदा में दिव्यांग जनों के लिए UDID कार्ड बनाए जाने के लिए मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कुल 195 UDID कार्ड कैंप में जारी किए गए, जिनमें 178 पंजीयन ग्रामीण क्षेत्र से और 17 पंजीयन नगरीय क्षेत्र के लिए दिव्यांग जनों के लिए किए गए। UDID कार्ड भारत सरकार दिव्यांग जनों के लिए जारी करती है, जिससे दिव्यांग जनों को सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से लाभान्वित किया जा सके। इस मौके पर शिविर में अंजलि मनोज यादव मौजूद थीं। सामाजिक न्याय उपसंचालक पीके मिश्रा, जनपद CEO RN गुप्ता, सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी राहुल पंथी कार्यक्रम में मौजूद थे। इंडिया खबर लाइव के लिए विदिशा से ब्यूरो रिपोर्ट। आसपास से ग्राम पंचायत से पधारे हुए जो निःशक्त जन हैं, उनको खंड स्तर पर ही लाभ मिले। जिले तक पहुंच नहीं पाते हैं लोग, इसलिए खंड स्तर पर सरकार की मंशा के अनुरूप शिविर यहाँ पर लगाया गया। और जो अमीरी गांव से हमारे ऐसे लोगों को बनवाने से पहले खुद भी सोचना चाहिए कि किसी गरीब का हक हम ना मारें। और हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है, तो हम दूसरे का हक क्यों लें। तो ये हमारी सोच बदलेगी जब ही बदल पाएंगे। ना सरपंच कुछ कर सकते हैं इसमें, ना सचिव कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उन पर जब उनकी जो हावी होता है, उनकी कहीं दबाया जाता है, दबाव दिया।